TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर। कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रुपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रुपए। फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। ये एक सूचना मिली हमें कल कि MD कॉलोनी नाका मदार में एक सांप एक पेड़ पर बैठा हुआ है और लोग उसके साथ में सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैंने जाकर के वहाँ जब देखा कि एक सांप था जो कि स्केल्ड वाइपर सांप था, जो कि बेहद ही खतरनाक सांप होता है। साइज में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही आक्रामक और तुरंत ही बाइट करके और तुरंत अपनी जगह वापस आ जाता है। और इस सांप के साथ में लोग सेल्फी खिंचा रहे थे। मैंने उन्हें दूर किया और उसके बाद में उसको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके और वहीं पास ही पहाड़ी जंगल में उसे छोड़ दिया। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा जो कि सांपों के बारे में नहीं जानते हैं कि बिना जाने सांपों को हाथ ना लगाएं, ना ही उनके साथ में उनके नज़दीक जाएं, ना उनके साथ में सेल्फी वगैरह खिंचवाएं। क्योंकि जो जिन सांपों के बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सांपों को हम छूते हैं या उनके नज़दीक जाते हैं तो वो किसी हमें हम पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सांप था, ये एक छोटा सा 1.25 फुट इसकी साइज होती है, लेकिन बहुत ही आक्रामक और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल सांप होता है। और ये तुरंत ही अटैक करने के बाद में वापस अपनी जगह आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके काटने से बहुत ज़्यादा खून ब्लीडिंग वगैरह ये होता है और मसूड़ों से खून आना और कभी कभी तो खून की उल्टियां तक हो जाती हैं। इस तरह से ऐसे सांप से हमें बचाव करना है और हमें लोगों को जागरूक करना है। इसी के साथ में आज सुबह मेरे पास सोमलपुर रोड चंद्रवरदाई से एक कॉल आया कि मुकेश जी का कि एक हमारे घर में अपने बाथरूम के अंदर एक घुहरा घुस गया है जो कि बाथरूम के अंदर से सेफ्टी टैंक में वापस चले जाता है। हमने जाकर के देखा कि तो उसमें एक घुहरा जो कि बाथरूम के अंदर से होकर के सेफ्टी टैंक में चले गया था, उसको पानी का प्रेशर से उसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसे रेस्क्यू करके सुरक्षित रूप से पास ही जंगल में छोड़ दिया और लोगों को राहत प्रदान की। विजय यादव, सर्प मित्र। उनको बुला ले जा। मुकेश मानवत जी के यहाँ से गुहेरा जो कि विषकोड़ा और गोयली इस तरह से नाम से इसको जाना जाता है, इसे हमने रेस्क्यू किया था जो इनके बाथरूम में घुस गई थी और निकल नहीं रही थी।